आज सुनेंगी 16 अक्टूबर 1969 की प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी, परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं, इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है, देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है, दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है, यह क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह थोड़ी सी रेख देख कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। यूँ तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है, उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएंगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है, परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है, परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए। तुम्हारे सामने कोई भी आए उनको परख सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होंगी। सुना, बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चले, एक की याद, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में बुद्धि होंगी तो परखने की शक्ति आती जाएगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सारिटी होंगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई।
जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है, बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं ये भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेंगी ना निर्णय कर सकेंगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्होंने हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो। वह हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती है। इसीलिए कहते हैं जादूगर, आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है तो अब इस भट्टी से क्या बन करके निकलेंगे। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक मास के अंदर कुछ और नज़ारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी देखना चाहते हैं। ऐसा आवाज़ फैल जाए कि कौन कहाँ से प्रकट हुए, ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर के आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो ये कितने अवतार हैं। यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएंगी। जो भी आपके देवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं वह महसूस करे कि यह कुछ अनोखे ही बनकर के आए हैं।
बदलकर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएंगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भावना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है, ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। अंडरलाइन इस अभ्यास पर सभी करेंगे, थोड़े दिन के लिए ईश्वरीय कार्य के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। यह बगीचा है, बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से तो कुछ मस्तक मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतोप्रधान बन जाएंगी। सुना क्या करना है? सभी मस्तक के मणि को अगर देखेंगे तो हमारी दृष्टि हमारी वृत्ति शुद्ध सतोप्रधान बन जाएंगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है। मस्तक के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो, रूप को ना देख लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे समझो शाप को देख रहे हैं। शाप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है न कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो मानो सांप को देखते हो, सांप को देखा और सांप ने काटा, सांप को अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है, कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? अगर आप सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो मणि को ही देखो, मणि को देखने से सांप का जो विष है ना वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप समान या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो क्या करेंगे? मणि बनना है तो देखो भी मणि को, फिर जो ये कंप्लेन है वह बदल कर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि की परख से कहाँ कंप्लेन कहाँ कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है, दो बिंदी, एक स्वयं की एक बाप दादा की।
यह दो बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेन के बजाय कंप्लीट हो जाएंगे। डबल अंडरलाइन लगाना। एक स्वयं को बिंदी स्वरूप याद रखो, दूसरों को बिंदी रूप में देखो, और प्यारा बाप दादा भी हमारा बिंदी स्वरूप, उन बिंदी को याद करो तो कंप्लीट बन जाएंगे। इसीलिए आज बाबा प्रतिज्ञा कराते हम सभी को, इसीलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की है, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसीलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, अभी अभी भूलते हो, लेकिन अप्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानी तो आत्मा, और शक्ति सेना है स्नेही तो आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुक तो नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसीलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना। हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए। सुनो कौन सा समाचार। यह कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। यह कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी ऐसी स्थिति की आवश्यकता है, जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना। अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया, या लेने का किया है देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे कि 15 दिन के बाद लिखेंगे, चाहते तो है लेकिन क्या करे, हो गया। ऐसा कोई भी कंप्लेन ना आए फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहे वा शुद्ध संकल्प कहे, यही रहता है और रहेगा ही कि एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है।
इसके लिए कह रहे हैं। सभी यह लक्ष्य रखे हम नंबर वन में जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर वन जाएंगे, इसमें महादानी नहीं बनना है। दो बातें मुख्य याद रखनी है, एक मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं। दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो, इस शरीर में अवतरित होकर के कार्य करना है। एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन, जो कहेंगे वह सोचेंगे और कुछ सोचना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ देखना नहीं है, आँखें भी दी है ना, पूरे परवाने हो ना, परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में नहीं आता है। आपकी आँखें और क्यों देखती, जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती है। अपने को धोखा नहीं दो, संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना, यह छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है, जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके। यह मन को ड्रिल करानी है, यह जरूर प्रैक्टिस करो। एक सेकंड में, आवाज में, एक सेकंड में, फिर आवाज से परे। एक सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। तो इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है, ऐसे नहीं शारीरिक भान से निकल ना सके। एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आओ और एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ। जिसकी ये ड्रिल पक्की होगी, अभी अंडरलाइन करना बाबा के इस महावाक्य को, वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करनी है। करना तो सारा दिन है लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब कोई भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटेच नहीं होंगे। इसीलिए यह प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में तो आजकल की परिस्थितियाँ कुछ नहीं है, जो अंतिम परिस्थितियाँ आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमटांस अपने तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे
तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट के नंबर होते हैं, मुख्य तो यही है ना। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं, अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकता। इसीलिए सुनाया ना, ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है, जिससे ज़्यादा स्नेह है जो कहते हैं यह तो शुद्ध बुद्ध ही भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है ना, वो भूल जाती है। बुद्धि की लगन उसके सिवाय कहाँ भी ना हो, ऐसे जो रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक हैं। चात्रक बने हो लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चात्रक है यह इस ग्रुप की विशेषता, लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। यह चित्र चरित्र में देखे, जब फिर चात्रकों के साथ पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो हो, फिर रिजल्ट आने के बाद दो टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक है, फिर विजयमाला के नज़दीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।